गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 7th। फर्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट 14 इंटू 6। तो 14 इंटू 6 कितना होता है? 84। इस एक्सरसाइज को पढ़ने के पहले दो तीन बातें जाननी बहुत जरूरी हैं। जैसे देखिए, प्लस और प्लस का जब मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या होता है? प्लस होता है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। अगर एक प्लस, एक माइनस और एक प्लस हो, कहीं भी हो, अगर उसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमेशा क्या आएगा? माइनस। तो हमें ये बात ध्यान देना है, अगर दो नंबर्स हैं, जैसे टू है इंटू टू है, तो टू टू ज़ा फोर, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसलिए इसका वैल्यू जो आया वो प्लस में है। अगर मान लीजिए माइनस टू इंटू माइनस टू करूँ, तो देखिए यहाँ टू टू ज़ा फोर होगा, और साइन देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यानी मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा नंबर क्या आएगा? प्लस में आएगा, यानी ये हमेशा प्लस होगा। अगर मान लीजिए एक टू हो प्लस माइनस में, और इंटू एक हमारा टू क्या हो? प्लस में हो, तो देखिए टू इंटू टू फोर आएगा, लेकिन ये इसका साइन क्या होगा? एक माइनस एक प्लस क्या होगा? साइन माइनस होगा। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, एक माइनस का मल्टीप्लाई एक प्लस में किया जाएगा तो वो नंबर माइनस में होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? 14 इंटू 6, देखिए दोनों प्लस में है, यानी ये वाला भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 14 सिक्स जा 84। तो 14 सिक्स जा 84 क्या हो जाएगा? 84। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जगह माइनस है, एक जगह प्लस है, तो सीधी सी बात है, अगर एक प्लस एक माइनस है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमेशा नेगेटिव आएगा। उसके बाद 9, 12, 9 ज़ा 108, 108, यानी 108 आएगा। बाकी का थर्ड और फोर्थ खुद से करिएगा, खुद से सॉल्व करिए। जैसे देखिए यहाँ क्या है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, टू टाइम्स माइनस क्या आएगा? प्लस आएगा। वन टाइम माइनस क्या आएगा? माइनस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 इंटू -8 इंटू 5, तो इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो ये देखिए 4 इंटू -8 इंटू 5, तो 4 8 जा कितना होता है? 32। 32 है, लेकिन देखिए एक जगह माइनस है, एक जगह प्लस। अभी हमने इसको नहीं देखा, इसको हमें अभी इसको वैसे ही रखना है, यानी 32 माइनस में इंटू 5, अभी इसका मल्टीप्लाई नहीं किया है मैंने। अब देखिए इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये प्लस है, ये माइनस है। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी 16। देखिए ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, सेकंड का सेकंड, 6 इंटू -3, तो और ये -2 अभी अलग ही है। 6 3 ज़ा 18, और किस में आएगा? प्लस में आएगा या माइनस में? आप सब बताइए। देखिए यहाँ एक माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, यानी एक जगह अगर माइनस होगा तो वो क्या होगा? प्लस होगा। और ये कितना हो जाएगा? -2। देखिए दो जगह माइनस आए हैं, यानी आंसर हमारा प्लस में आएगा, प्लस लिखा नहीं जाता है। 18 2 ज़ा 36, ये होगा हमारा आंसर। और या आप ऐसे ही देख सकते हो कि प्लस में आएगा या माइनस में। देखिए टू टाइम्स माइनस आया है, यानी इसका मतलब है ये क्या होगा? आंसर हमारा प्लस में आएगा। इस प्लस से कोई मतलब नहीं है, प्लस से हमारा साइन चेंज नहीं होता, हमारा साइन चेंज माइनस से होता है। यानी अगर मान लीजिए प्लस टू है,
या 2 है, इसमें जैसे ही -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी इसका साइन चेंज होगा, -4। इस तरीके से आपको ये ध्यान देना होगा कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, इस बात का विशेष ध्यान देंगे तभी जाके आप क्वेश्चन सही सॉल्व कर पाएंगे। थर्ड देखिए, इवेल्युएट 27 + 7 × 27। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन जो होगा 27 + 189 को ऐड कर लेंगे, ये क्वेश्चन जो है 27 7 × 27। 27 को पहले नहीं लिखेंगे क्योंकि सॉरी 27 को पहले लिखेंगे फिर क्या करेंगे 7 × 27, तो 7 का मल्टीप्लाई 27 में करेंगे तो 189 आएगा। फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 216, 216। सेम वे आपको ये क्या करना है, इसको सॉल्व करना है सेकंड वाले को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज। जैसे 8 है, जब 8 में हम -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 8 × 8 आएगा और जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो माइनस में आएगा, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। और 0 में से 0 में हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 आएगा, और 0 न तो पॉजिटिव होता है न निगेटिव होता है, 0 में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा। इसमें करेंगे -1 का मल्टीप्लाई तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 प्लस में आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस ये माइनस, क्योंकि हमें क्या करना है, -1 का मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा, आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, ये क्या है, स्टेट विच इज द ग्रेटर, यानी इसमें से कौन सा ग्रेटर है, दोनों में नंबरों में से कौन सा ग्रेटर है, ये एक है और ये नंबर है, तो इसको करके दिखाते हैं। देखिए ये देखिए 6 और 8 कितना होगा, 14 × 10, ये कितना हो जाएगा, 140। और ये वाला जब देखेंगे 6 + 8 = 80, 80 और 6 कितना होगा, 86। तो कौन सा ग्रेटर है, यानी ये वाला नंबर जो है वो ग्रेटर है, तो आप लिखेंगे 6 + 8 × 10 इज ग्रेटर, क्या है, ये बड़ा नंबर है। अगला देखिए, 8 - 5 × 20 और 8 - 5 × 20, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। देखिए 8 - 5 कितना होगा, 3 × 20 ये हो जाएगा आपका 60। अब देखते हैं ये कितना होगा, 8 - पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, 25 × 100। अब 100 में से 8 जब माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा, -92। तो कौन सा ग्रेटर है, ये वाला ग्रेटर है, क्योंकि अगर कोई नंबर माइनस में आ रहा है तो वो छोटा होगा ही प्लस वाले से। ये कितना आ रहा है, 60 प्लस में आ रहा है, यानी ये नंबर 8 - 5 × 20 इज ग्रेटर, ये क्या है, ग्रेटर है, बड़ा नंबर है। देखिए ये क्वेश्चन अगला 6 नंबर, इफ एक्स इंटू -1 इक्वल्स टू 25 आ रहा है माइनस में, तो ये बताइए इज द इंटीजर एक्स पॉजिटिव और निगेटिव। देखिए अगर ये पॉजिटिव होगा तभी यहाँ माइनस आएगा, निगेटिव हो जाएगा तो 2 टाइम्स निगेटिव मल्टीप्लाई होता है तो प्लस में आना चाहिए, यानी ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर।
तो हमारा x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। इसी तरीके से ये सेकंड वाला देखते हैं, x इंटू माइनस वन इक्वल्स टू 25, यानी ये क्या है, निगेटिव इंटीजर है। क्या है, आप लिखेंगे x इज अ निगेटिव, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवेल्युएट 5 × 2 × −5। तो बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए, एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। देखिए जैसे माइनस एक बार ही आया है ना, अब गिनिए माइनस कितनी टाइम्स आया है। वंस एक बार आया है, तो हमारा आंसर सदैव किस में आएगा, माइनस में आएगा। देखिए 5 × 2 × 5, देखिए इसमें काउंट करिए माइनस कितने टाइम्स आया। अगर वंस एक बार आया है तो यानी आंसर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई करिए। 5 × 2 = 10, 10 × 5 = 50, यानी हमारा आंसर आ जाएगा −50। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट, एक बार माइनस आया, दो बार माइनस, यानी दो बार माइनस आया है, 2 × माइनस आया, तो यानी हमारा आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो प्लस लिखा नहीं जाता। 3 × 4 = 12 और 12 × 5 = 60, यानी 60 आएगा। प्लस माइनस का झंझट आपको देखना ही नहीं, केवल आप माइनस को काउंट कर लीजिए। अगर वो इवेन आ रहा है तो हमारा आंसर प्लस में आएगा, अगर ऑड आ रहा है तो वो क्या आएगा, हमारा आंसर माइनस में आएगा, यानी ये हमारा आंसर होगा। बाकी का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ खुद से करिए। हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, इवेलुएट करना है इसको भी। देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, यानी 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स क्या है, माइनस है। 4 टाइम माइनस आएगा, यानी ये क्या है, इवन नंबर है। 4 क्या है, इवन नंबर है, यानी हमारा आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। अगर हमारा 0 जितने बार है अगर वो ऑड आ रहा है तो माइनस आंसर हमारा माइनस में आएगा। अगर वो इवन में आता है, जैसे 2, 4, 6, 8, इसमें आता है तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। तो 1, 2, 3, 4 बार माइनस आया है, यानी हमारा आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता है। 4 × 5 = 20, 6 × 7 = 42। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, तो ये हो जाता है हमारा आंसर। देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा, 1, 2, 3, 4, ये क्या है, एक इवन नंबर है, यानी आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। इवन में अगर हमारा आता है, इवन में हमारा जितने भी साइन अगर पॉजिटिव निगेटिव वाले इवन में आते हैं तो प्लस आंसर हमारा पॉजिटिव होगा। अगर हमारा, जैसे देखिए यहाँ 1 क्या है, एक बार ही माइनस आया था, तो इसलिए 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, इसलिए यहाँ आंसर निगेटिव में आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको गिनने की ज़रूरत नहीं है, बार बार सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। बाकी के क्वेश्चन खुद से करिएगा। जैसे देखिए यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स आया ना, तो हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि 5 क्या है, एक ऑड नंबर है। इसी तरीके से 1 × 2 = अब हम केवल मल्टीप्लाई हमको करना है, 1 × 2 = 2, 2 × 4 = 8, 8 × 6 = 32, 32 × 8 = 32 8 =, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये देखिए फिर से देखिए, 1 × 2 = 2, 2 × 4 = 8, 8 × 6 = 48, 48 × 8, और ये आ जाता है हमारा 8 × 8 = 64, 8 × 4 = 32, 32 और 4 = 38, वो भी माइनस में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स माइनस था, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 384। ये 8 है, 48 × 8। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल बी द साइन ऑफ प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई 60 निगेटिव इंटीजर्स एंड 7 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मैंने आपको बताया था पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है,
60 क्या है, निगेटिव कितने आ रहे हैं वो हमें काउंट करना है। 60, 60 क्या है, ऑड नंबर है कि इवन नंबर? इवन नंबर है, यानी हमारा जो नंबर होगा उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। व्हाट विल बी द साइन ऑफ प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई 53 निगेटिव एंड 27 पॉजिटिव इंटीजर्स? देखिए बहुत आसान है, मैंने आपको कहा था कि निगेटिव हमें केवल काउंट करना है। 53 टाइम्स आया, 53 क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, यानी हमारा आंसर किस में आएगा, निगेटिव में, यानी उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरीके से इसको आप क्या कर दीजिएगा, देखिएगा, इवेलुएट करिएगा, 3 × 4 + 4 × -4 × 5। देखिए -3 यहाँ है, 4 कितना होगा बीच में, लेकिन प्लस लग गया है। इसको देखिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। देखिए 3 × 4 = 12, 12 होगा, और प्लस अपने जगह है, 4 × 5 = 20, वो भी किस में, देखिए ये वाला भी किस में आएगा, माइनस में आएगा, और ये वाला भी किस में आएगा, माइनस में आएगा, यानी -12 और -20। ये -20 क्यों आया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हो जाएगा -32। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन खुद से करिएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, ऐड कर दीजिएगा, ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चन करिए। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।